तो बच्चों, हम हमारी इस इंग्लिश क्लास में हमारी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लास्ट लेसन। तो बच्चों, ये एक स्टोरी है जो लिखी है अल्फोंस डॉडेट ने। तो ये इस स्टोरी के हमारे राइटर हैं। तो बच्चों, ये कहानी है उस समय की जब एक वॉर चल रहा था जिसे फ्रेंको पर्शियन वॉर कहते हैं, और इस युद्ध में बच्चों फ्रांस हार गया था और उसके कुछ राज्यों पर पर्शिया ने अपना अधिकार कर लिया। अब जब फ्रांस पर पर्शिया का अधिकार हो जाता है बच्चों, तो वहाँ के व्यक्तियों के जीवन में क्या चेंजेस आते हैं, स्पेशली वे बच्चे जो कि स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि आप सब, तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, इसी बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द लास्ट लेसन। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो स्टोरी जो बोलने वाले जो हमारे स्पीकर हैं, जो हमारे वक्ता हैं, तो स्पीकर कह रहे हैं कि उस सुबह, जिस सुबह की वो हमें स्टोरी सुना रहे हैं, उस सुबह स्कूल जाने के लिए वो वेरी लेट, बहुत लेट रवाना हुए एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। और जब वो लेट रवाना हुए तो उन्हें बहुत ज़्यादा ड्रेड होता है बच्चों डरना, तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। किस बात के लिए? उनको किस चीज़ का डर था? स्कोल्डिंग होता है बच्चों डांटना, तो उन्हें डर था कि उन्हें डांट पड़ने वाली है, स्पेशली बिकॉज। और डांट क्यों पड़ने वाली है? एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। अब बच्चों, एम हेमल उनके टीचर हैं, तो उनके टीचर का हमें नाम दिया हुआ है, तो उन्हें डर हमारे स्पीकर को इसलिए लग रहा था क्योंकि उनके एक टीचर थे एम हेमल, उन्होंने बच्चों से कहा था कि वे क्वेश्चंस पूछेंगे, किस पे? पार्टिसिपल्स पे। अब बच्चों, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? जब भी हम बच्चों कोई भाषा सीखते हैं, कोई लैंग्वेज सीखते हैं, तो उस भाषा के कुछ नियम होते हैं कि हम उस भाषा में क्रिया को किस तरह से लिखेंगे। तो एम हेमल भी एक भाषा पढ़ाते थे और उन्होंने उस भाषा में क्रिया के कुछ नियम सिखाए थे, पार्टिसिपल्स के नियम सिखाए थे, वे नियम वो बच्चों से पूछने वाले थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और हमारे स्पीकर जो हैं इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें तो उन नियम का पहला अक्षर भी नहीं पता था, यानी उन्होंने तैयारी नहीं की थी। फॉर अ मोमेंट, तो ऐसे में एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, आई थॉट, हमारे स्पीकर, हमारे वक्ता ने सोचा ऑफ रनिंग अवे, क्या सोचा? कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउटडोर्स, और पूरा दिन बाहर बिता देता हूँ। स्पेंड होता है बच्चों बिताना, तो स्पीकर ने सोचा कि स्कूल जाने के बजाय मैं पूरा दिन बाहर बिता देता हूँ। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, और बाहर का दिन कैसा था? इट वॉज ब्राइट, यानी धूप निकली हुई थी, सूरज निकला हुआ था, और इसीलिए वो दिन वार्म, गर्म था। तो उन्होंने कहा आज का दिन इतना गर्म है, इतना ब्राइट है, तो मैं आज का दिन बाहर ही बिता देता हूँ, स्कूल नहीं जाता। The birds were chirping at the edge of the woods. और उस दिन क्या हो रहा था बाहर? हमारे स्पीकर को आवाज़ें आ रही थी। किसकी? चिरपिंग होती है बच्चों, जो पक्षियों का चहचहाना होता है, पक्षियों का चहकना होता है, उसकी आवाज़ हमारे स्पीकर को आ रही थी। At the edge of the woods, और कहाँ से? Woods कहते हैं बच्चों जंगल, और edge होता है किनारा, तो जंगल के किनारे से पक्षियों के चहकने की आवाज़ें आ रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, और वहाँ पे एक सॉ मिल थी बच्चों। सॉ मिल एक तरह का कारखाना होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस सॉ मिल में बच्चों जो बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठे होते हैं, उन्हें मशीनों की सहायता से ऐसे काटते हैं, तो ऐसा एक कारखाना था वहाँ पे। उस कारखाने के पीछे क्या था? ओपन फील्ड, एक खुला मैदान था, और उस मैदान में द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो पर्शिया के सोल्जर्स, पर्शिया के सैनिक थे, वे ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल कहते हैं बच्चों जो सैनिक मार्च करते हैं, परेड करते हैं, तो इस तरह से पर्शिया के सैनिक वहाँ पे ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और स्पीकर को ये सारी चीज़ें ज़्यादा टेम्पटिंग कहते हैं बच्चों, लुभावना, आकर्षक, मन को अच्छे लगने वाली। तो हमारे स्पीकर को ये सारी चीज़ें ज़्यादा आकर्षक लग रही थी, ज़्यादा अच्छी लग रही थी। दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, किसकी बजाय? पार्टिसिपल्स के नियमों की बजाय, जो कि स्कूल में उनके टीचर एम हेमल पूछने वाले थे।
बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। तो हमारे स्पीकर ने एक क्षण के लिए तो सोचा कि यहाँ से भाग जाता हूँ, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि उनमें इतनी स्ट्रेंथ यानी ताकत थी कि वो इस विचार का, रेसिस्ट होता है बच्चों विरोध करना, तो उन्होंने इस विचार का विरोध कर दिया, उन्होंने ये विचार अपने मन से निकाल दिया एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। और वो हरिड होता है बच्चों जल्दी जल्दी जाना, और वे जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए रवाना हो गए। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब वो घर से निकल गए हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो रास्ते में एक टाउन हॉल जगह थी, तो जब वो टाउन हॉल के पास से, पास होता है बच्चों गुजरना, तो जब वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहे थे, there was a crowd, तो उन्होंने क्या देखा, क्राउड कहते हैं बच्चों भीड़, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। इन फ्रंट ऑफ होता है बच्चों सामने, तो किसके सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड बच्चों इस तरह का होता है, जैसे आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, नोटिस बोर्ड भी इसे कहते हैं। इस पे जितने भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, समाचार हैं, वे इस पे लगा दी जाती हैं। तो बच्चों बुलेटिन वैसे कहते हैं समाचार को। तो टाउन हॉल पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, और जब स्पीकर वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे लोगों की बहुत सारी भीड़ जमा है। फॉर द लास्ट टू ईयर्स, तो स्पीकर कह रहे हैं कि पिछले दो सालों से ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। हमारी जितनी भी बुरी न्यूज़ थी, बुरे समाचार थे, वे सभी हमें कहाँ से मिले थे, इसी बुलेटिन बोर्ड से मिले थे। और वो समाचार, वो बैड न्यूज़ क्या क्या थी, द लॉस्ट बैटल्स। अब हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि ये एक वॉर के समय की कहानी है, युद्ध चल रहा था, तो जितनी भी लड़ाइयाँ उन्होंने हारी थी। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट कहते हैं बच्चों प्रारूप, यानी कि जो भी लिखित योजना होती है किसी चीज़ के बारे में, लिखित कोई प्रारूप होता है उसे हम कहते हैं ड्राफ्ट। तो जितने भी ड्राफ्ट आए थे, प्रारूप आए थे। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, अब बच्चों युद्ध चल रहा है तो ऑफिसर्स भी होंगे, तो जो कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स, आदेश आते थे, वो भी इसी बुलेटिन बोर्ड से आते थे। And I thought to myself, तो अब हमारे स्पीकर ने अपने मन में सोचा, अपने आप सोचा, without stopping, बिना वहाँ रुके, हमारे स्पीकर सोच रहे हैं, what can be the matter now, अब क्या बात हो सकती है, अब किस बारे में समाचार आया है जिसे पढ़ने के लिए लोगों की इतनी सारी भीड़ यहाँ पर जमा है। Then as I hurried by as fast as I could go, तो हमारे स्पीकर ने देख तो लिया कि लोगों की भीड़ जमा है, लेकिन वो रुके नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए पहले से लेट हो रहे थे, तो वो जल्दी जल्दी, हरिड हमने पढ़ा था अभी बच्चों, जल्दी जाना, तो जितना जल्दी वो जा सकते थे, चल सकते थे, उतना जल्दी जल्दी वो वहाँ से जाने लगे। द ब्लैक स्मिथ वेक्टर, तभी क्या हुआ, वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ थे। ब्लैक स्मिथ कहते हैं बच्चों लोहार, यानी वह व्यक्ति जो कि लोहे का कार्य करता है। तो वहाँ पे एक लोहार थे, उनका हमें नाम दिया भी दिया हुआ है वेक्टर। तो वेक्टर नाम के एक लोहार थे वहाँ पर, हु वॉज देयर, जो कि वहाँ थे, विथ हिज अप्रेंटिस, और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका अप्रेंटिस कहते हैं बच्चों प्रशिक्षण लेने वाला, यानी वह व्यक्ति जो किसी से कोई कार्य सीख रहा है। अब वेक्टर हमें पता है एक लोहार है, तो वो किसी को अपना कार्य सिखा रहे थे, तो वो व्यक्ति भी उनके साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, और वो क्या कर रहे थे, उस समाचार को पढ़ रहे थे जो कि बुलेटिन बोर्ड पे लगा हुआ था। कॉल्ड आफ्टर मी, तो वेक्टर ने जब हमारे स्पीकर को, वक्ता को देखा, तो उन्होंने आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, और क्या कहा, बब कहते हैं लड़का, साथी, तो उन्होंने कहा अरे लड़के इतनी जल्दी जल्दी मत जाओ, यू हैव गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ होता है बहुत सारा, तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास वही बहुत समय है, काफ़ी समय है स्कूल जाने के लिए, तो तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन
फन ऑफ मी। तो हमारे स्पीकर को लगा कि वेक्टर उनका मेकिंग फन मजाक बना रहा है। एंड रेस्ट एम हैमर्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो हमारे स्पीकर वहाँ बिल्कुल नहीं रुकते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, एम हैमल के गार्डन यानी उनके स्कूल पहुँच जाते हैं। और कैसे आउट ऑफ ब्रेथ होता है बच्चों, सांस भर जाना, यानी वो इतनी तेज जा रहे हैं, इतनी तेजी से वहाँ से जाते हैं कि चलते चलते उनकी सांस भर जाती है। Usually when school began, अब हमारे स्पीकर अपने स्कूल पहुंच चुके हैं, अब वो हमें बता रहे हैं usually सामान्यतः रोज हमेशा when school began जब स्कूल शुरू होता था there was a great bustle, तो क्या होता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा bustle कहते हैं बच्चों शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, हलचल, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल और शोर आता था which could be heard out in the street, और इतना ज़्यादा शोर आता था कि जिसे सड़क के बाहर तक सुना जा सकता था। The opening and closing of desk, अब शोर आता किसका था बच्चों, तो जो बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं वो क्या करते थे, अपनी डेस्क को कभी ओपन करते कभी क्लोज करते, तो डेस्क के खोलने बंद होने का शोर। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और किसका शोर, अब बच्चों को जो लेसन टीचर ने पढ़ा दिए हैं उन लेसन्स को बच्चे क्या करते थे, रिपीटेड दोहराते थे, और वो भी कैसे, इन यूनिसन एक साथ दोहराते थे, वेरी लाउड और बहुत ज़ोर से दोहराते थे, विथ आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स, और अपने हाथ अपने कानों पर रख लेते थे टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि वह चैप्टर उन्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और किस चीज़ का शोर बच्चों, अब जब बच्चे इतना सारा शोर मचा रहे हैं क्लास में तो टीचर क्या करते थे, वे अपनी रूलर कहते हैं बच्चों स्केल, वे अपने स्केल को, रैपिंग होता है खटखटाना या पटकना, रैपिंग खटखटाना, तो वे टीचर अपनी स्केल को जोर जोर से पटकते थे, जोर जोर से खटखटाते थे, किस पर, टेबल पर। तो इतना सारा शोर वहाँ पर जनरली आया करता था, सामान्यतः हमारे स्पीकर को सुनाई देता था। बट नाउ, लेकिन आज क्या बात थी, इट वॉज़ ऑल सो स्टिल, स्टिल कहते हैं बच्चों शांत, लेकिन आज जब हमारे स्पीकर स्कूल पहुँचते हैं तो आज सब कुछ शांत था, आज स्कूल में इनमें से किसी भी तरह की आवाज़, किसी भी तरह का शोर नहीं आ रहा था। तो बच्चों आपके मन में प्रश्न उठ रहा है ना कि आज ऐसा क्यों था, आज स्कूल में इतनी शांति क्यों थी, हमारे स्पीकर भी यही सोच रहे हैं कि आज स्कूल में रोज़ सुनाई देने वाला शोर क्यों नहीं सुनाई दे रहा था। हम जानेंगे जब हम पढ़ेंगे इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।